मंद I have nothing for you. Still, I'm going to make a video of you. I hope you're not going to shy and you're going to be okay with this. And then look, they are fighting and they're chasing each other. As we are walking, they are walking too. The water of River Ouse is raised and the flow is a little bit sharper. Sometimes the sea water come and they is pressure is because it's rain and the weather. And as you could see here, there are so many ducks. So people wish to have their house next to the river or sea, next to the water, to stay close by the nature. As you could see, people got house around and the gardens are facing towards a river, and they've got their boards, they put their flags. And here you could see Christmas tree and decoration. It look very nice in at night. Here you could see they decorate their garden very well, and their garden is so nice as well. Look like a restaurant. Here you could see was raining for a couple of days, snow, and the plant do not need that much water, so it's flooding. The water is here and there everywhere, and the river water is raised as well. यहाँ पर देखिए जो सारी की सारी जो family है ना ducks की, वहाँ से अपने घोंसलों से निकल के आ रही है. और देखे discipline कितना है इनमें, unity कितनी है, एक दूसरे की लिसनिंग कितनी करते हैं. जो सबसे आगे है वो ग्रैंड डैड होगा, फिर उसकी सारी फैमिली, उसके बच्चे आगे, उसके बच्चे, और सारे एक दूसरे के पीछे चलेंगे, कोई किसी को मारेगा नहीं. और जब वॉक के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह, ताकि देखा जाए कि फूड कहाँ है, थोड़े से अपने पर तोलेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, साथ साथ में नहा भी रहे हैं. ये देखें नेचर कितनी प्यारी होती है माशाल्लाह. तो जितना भी अल्लाह ताला की तारीफ की जाए उतनी कम है. सुबहान अल्लाह ही वह अभी हम देही सुबहान अल्लाह अज़ीम. ये जो पीछे झाड़ियाँ हैं, इनमें इनके घोंसले होते हैं और इनमें ये रहते हैं. और जब दिन चढ़ जाता है और इनको लगता है कि अब हमें उठना चाहिए, मुँह हाथ धोना चाहिए, नाश्ता पानी करना चाहिए, तब ये चल पड़ते हैं. तो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर. और आपको क्या चाहिए? अल्लाह ताला फरमाता है आयातुल बय्यिनात, मेरी खुली खुली निशानियाँ मेरे होने का साइन है, निशानी है. और मेरी खुली खुली निशानियाँ तुम्हें निशाने इबरत देती हैं, हदायत देती हैं, गुमराही से बचाती हैं. तो अल्लाह ताला की जी शान है जिसने इन जानवरों में भी एक डिसिप्लिन, एक फर्मा बदारी, एक एहसास हमदर्दी बनाई है. तो कई लोग होते हैं वो अकेले ही आगे आगे चले जाते हैं, तो उनका आगे आगे चलना या अकेले कामयाबी होना कोई कामयाबी नहीं है. असल कामयाबी होती है जब आप इकट्ठे आगे मूव होते हैं, कामयाब होते हैं, जैसे सक्सेसफुल होते हैं. तो आप देखें कि जिस तरफ को वो लीडर जाएगा उसी पीछे लाइन में, कितनी खूबसूरत लाइन में जो सारी की सारी डक्स जाएंगी. तो ये भी अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की सिफत बयान करते हैं, अल्लाह ताला की हमद व सना करते हैं. सुबहान अल्लाह ही वा भी हमदे ही सुबहान अल्लाह अज़ीम. आज जी क्रिसमस का दिन है, यानी 25 दिसंबर 2022 है, और हम टाउन की तरफ जा रहे हैं. हमने सोचा कि क्लोज़ टू नेचर जाते हैं तो आपको भी दिखाते हैं सीनरी. ये सुबह सुबह जो बर्ड्स वगैरह हैं, डक्स हैं, स्वान्स हैं, गूस हैं, ये सारी की सारी निकल के आई हुई हैं. और ये इस उम्मीद से भी उड़ उड़ के आते हैं कि हमको दाना दुनका डालेंगे. कोई तो रात को इनको दाना डाल के जाते हैं. तो यहाँ पे बैठ गए हैं अब,
तो मैंने कहा था चल करीब से दिखाऊं। और इसके साथ ही उधर सीगल्स का तमाशा भी है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वो भी कभी कभी फूड बाहर छोड़ जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं इस तरह दाना दुन का चुनते हैं। मुझे दरिया पे देखने का, नेचर देखने का बहुत शौक़ है। और जब मैं अपना शौक़ पूरा करती हूँ तो अपने बहन भाइयों को भी शामिल हाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें कितनी सीगल्स हैं, वो चल रही हैं। ये कार पार्किंग, स्पेशल कार पार्किंग है, जिनके पास इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो यहाँ पे ला के खड़ी करते हैं और इस पार्किंग के पैसे देते हैं। और यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रिक कार यहाँ से 30-40,000 पाउंड की आती है। तो यहाँ पे ये सारी पार्किंग जो है ये उनके लिए है, फ्री, प्लीज़ पे हियर। मैंने सोचा कि पता नहीं फ्री है। तो यहाँ पे आपको मैं सीगल्स का तमाशा दिखाती हूँ बहुत क्लोज से। ये कि फूड डाला हुआ है, किसी ने ला के इधर सीरियल डाला है। और ये देखे उधर कबूतर है, इधर जो सीगल्स हैं, कबूतर ग्रे कलर के हैं, उड़ रहे हैं। और ये सीगल्स हैं, सीगल इतने हैं, होते हैं ना नॉटी, कि ये किसी और बर्ड को पास में नहीं आने देते। स्वान से भी खाना छीन लेते हैं और सब से, क्योंकि आज क्रिसमस है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं तो वो बंद पड़े हैं। तो ये सारे का सारा बंद है। हाँ जी, ये सारे के सारे रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं। ये रेस्टोरेंट है बिल्कुल, ये पार्टी के लिए, क्रिसमस पार्टी के लिए तैयारी करके रखी हुई है। जब शाम को खुलेंगे तो ये सारी बिजी हो जाएगा, कोई ट्रैफिक नहीं है। और हमने बगैर प्रेस किए लाइट यहाँ से गुजर रही है, जबकि भी देखो आए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं टाउन में आई हूँ। आज 25 दिसंबर 2022 है और यहाँ पे सारी जो शॉप्स हैं वो बंद हो चुकी हैं। हम सुबह सुबह वो करने के लिए आए हैं, और जो क्या कहते हैं, छुट्टी है, घर में बोरियत होती है। नाश्ता पानी करने के बाद हमने सोचा कि चलो जी हम टाउन की सैर करके आते हैं। तो अब हम टाउन की सैर कर रहे हैं, तो आपको नज़र आ रहा है टाउन की हमारी सारी शॉप्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं, बंद हैं। और हम इधर वॉक कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये भी साल में एक बार ऐसा टाइम आता है, ये कोई लीना इंटरनेशनल मार्केट ये खुली है, तो बाकी सारी की सारी दुकानें जो हैं वो बंद हैं। हमारी लोकल जो शॉप्स होंगी वो खुली होंगी। और इस तरह क्रिसमस की भी इस तरह डेकोरेशन है, लाइट्स ऑन है, लेकिन ये सारी की सारी दुकानें बंद हैं। ऊपर नोटिस पे लिखा हुआ है क्लोज्ड। ये बुक्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बुक्स मिलती हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लिया करती थी। और ये सारी की सारी दुकानें आपको क्लोज नज़र आएंगी। उस बेचारी के तो कपड़े भी किसी ने उतार लिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ये एक कोस्टा कॉफ़ी है, तो ये भी बंद पड़ी है, क्योंकि आज कल क्रिसमस ईव थी, 24 दिसंबर था, आज 25 है। आज सारे लोग छुट्टी करते हैं, और छुट्टी करके तो यहाँ पर फैमिली टाइम होगा, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, खाना खाएंगे इकट्ठे। तो सब की सब जो शॉप्स हैं आपको आज बंद नज़र आएंगी। कोई कोई बंदा मेरी तरह का bonga.com यहाँ पर चल रहा है। हमारी ये हापर सेंटर जो शॉपिंग सेंटर है ये भी बंद है। तो हम वॉक कर रहे हैं, साथ साथ में आप बहन भाइयों को भी दिखा रहे हैं। तो
इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरा चैनल देसी बीबी यू के आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको परफेक्ट मिल सके और आप कोई भी मेरी वीडियो मिस आउट ना कर सकें। तो खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। यहाँ पर हल्की हल्की बारिश होने की वजह से जो फर्श है वो चमक रहा है, और दूसरा बात यह है कि यहाँ पे कौंसिल जो है सुबह 6 बजे आके सारी घर इस फ्लोर को साफ भी करती है। बूट्स भी बंद पड़ा है तो कोई दुकान भी आपको खुली नज़र नहीं आएगी। वो देखें ऊपर जो है कबूतर बैठे हुए हैं बिल्डिंग के ऊपर। ये हमारी बील्स की शॉप हुआ करती थी, बहुत अच्छी शॉप थी ये, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते, महंगे होते थे लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। और यहाँ पर मैं यहाँ से आपको हाई स्ट्रीट तक लेके जाऊंगी। यहाँ पे इस तरह का कुछ सीन है, इधर से लोग थोड़े बहुत जा रहे हैं। तो ये क्लिंटन है जो बंद पड़ी है, तो आज ख़रीदारी के लिए नहीं, वैसे ही वो के लिए आए हैं टाउन सेंटर में, और हमने देखना है कि ये जो बंद टाउन होता है कैसा लगता है। ये नई दुकान खुली है कोई शूज़ की, ऑनलाइन ज़्यादातर हो गई है सारा का सारा बिजनेस। कहीं ना कहीं अलार्म सिस्टम भी ऑन हो गए हैं, और यहाँ पे आपको क्रिसमस की थीम खूब नज़र आएगी। यहाँ पर भी इस तरह के क्रिसमस पे लोग कपड़े पहनते हैं, आउटफिट पहनते हैं, गिफ्ट देते हैं। ये देखें जो एशियन ट्रेडिशन के हिसाब से उन्होंने बेस बनाया है, जो पाँव है ना वो कवर कर दिए हैं उससे कपड़े के साथ, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है और यूनिक है। तो बच्चे किस तरह की चीज़ों की डिमांड करते हैं। यह हम हाई स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं और कबूतर भी मेरे साथ साथ वो कर रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत दाना दुनका इनको डाल ही दूँ। इनको देख लें आप, फेमस पर्सन है, मेमोरियल है, ब्यूटी एंड बीस्ट 22nd till 31st December ये लगेगी वीडियो। और लोग देखने के लिए जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट होती है विंडो पर रख देते हैं। यहाँ पर देखें ये हमारी हाई स्ट्रीट है, और हाई स्ट्रीट में भी कोई कोई टावा टावा गाड़ी जा रही है, और सारी की सारी शॉप्स बंद पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर ये बड़ा सारा क्रिसमस का वो जो डोर पे लगाते हैं यहाँ पे लगाया गया है। और इसी तरीके से कोई कोई बंदा आ जा रहा है, फर्श बहुत खूबसूरती से चमक रहा है। अब हम यहाँ से वापस चल जाते हैं, तकरीबन 10-12 बजे यहाँ पे वो होगा, बेल बजेगी एक चर्च की, और जो क्रिश्चियन ब्रादरी है वो सारी की सारी प्रे के लिए जाएंगे, तो वो चर्च में प्रे करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर देखें कि ये जो पिजन्स हैं इनको कोई दाना वगैरह डाल गए हैं। अब ये उड़ गए, अब चक्कर लगा के दोबारा आएंगे। यहाँ पर आप देखें कि ये जो हमारा मीटिंग हॉल है, यहाँ पे लाइब्रेरी है और यहाँ पे मीटिंग हॉल है जो वो बिल्कुल बंद है। रात को तो ये जब लाइट्स चमकती हैं बहुत खूबसूरत लगता है, ख़ासकर ये फर्श में जो लाइट्स होती हैं ना वो अच्छी से लगती हैं,
अंदर भी बहुत डेकोरेट किया है। इस पे भी जो भी वीडियोस और जो भी फिल्म सिनेमा में चल रही हैं 2-3 दिन, तो वो यहाँ पे एडवर्टाइज की गई हैं कि अगर लोगों ने फैमिली के साथ सिनेमा का रुख करना है तो वो सिनेमा जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी फेमस जो हिस्टोरियन प्लेस है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बंदा जो है वो अपने बच्चे को लेके रिवर के पास से गुजर रहा है, एक बच्चा जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ पर बनाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे भी हर कोने में क्रिसमस ट्री लगाई गई है, और जो सारे मिलके लगाते हैं लाइट्स वगैरह, और रात को चमकती हुई बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे भी ब्यूटी एंड बीस्ट का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है, यहाँ पर आप देख ले, बेडफोर्ड कोन एक्सचेंज बॉक्स ऑफ, अगर आपने बुकिंग करनी है तो यहाँ पे बुकिंग करके जाए, अदरवाइज सीटें नहीं होती तो फिर वो लोग अंदर आने नहीं देते। तो ये इस तरह का कुछ सीन है, और जो सारे जो फ्लोरिस्ट की दुकान है इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर रख के तो बंद कर दी हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड भी जो गए होंगे ना छुट्टी के लिए, सबको छुट्टी चाहिए होती है। और जब कभी कोई परफॉर्मेंस होती है तो ये छोटा सा स्टेज बना दिया गया है, और यहाँ पे इस स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है। तो अब कबूतर भी यहाँ पे खा पी के वापस अब छत पे बैठ गए हैं। देखें कि ये कबूतर के गोल जो है ना इधर से उधर उड़ रहे हैं, कोई अल्लाह का बंदा आएगा इनको फूड देगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और खाना लेके खाते हैं और इनको भी डालते हैं, तो इस उम्मीद के साथ ये कभी इधर से उधर उधर से इधर घूम रहे होते हैं। ये देखिए ऊपर छत के, तो इस तरह हमारी तरह वो फैमिलियाँ भी इधर से उधर जा आ रही हैं। तो क्वाइट है आज, अभी कोई जो बंदा है यहाँ पे इनको फूड डाल के गया है, तो वो देखें ऊपर से उड़ रहे हैं और अभी वो खाने के लिए आएंगे। अब वो देखें कि जो खाना किसी ने डाला है ना, तो उसकी तरफ सारे के सारे कबूतर आके बैठेंगे और खाएंगे। वो सामने बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे कबूतर बैठे हुए हैं, और जब उनको मिल जाती है परमिशन बॉस की तरफ से, तो वो फिर वो सारे के सारे आके खाना शुरू कर देते हैं। कुछ उधर बैठ जाएंगे, कुछ इधर बैठ जाएंगे, कुछ परली साइड से इधर आ रहे हैं। दरमियान में सीगल्स भी आ गए हैं, पहले कोई भी नहीं आया हुआ था, तो अब वो सारे के सारे आ रहे हैं। वो एक जगह पे चटपट करके ना सारी प्लेट ख़त्म करके इधर भी आ जाते हैं। पीछे से भी आप देख सकते हैं कि उड़ते हुए आ रहे हैं, और जब देखते हैं ना कि कबूतर आ गए हैं, फिर सीगल्स भी आ जाते हैं खाने के लिए। तो एक बंदा था वो यहाँ पर आके ना, उसके हाथ में हाफ लोफ ब्रेड का था, वो डालता जा रहा था, तो फिर उसको पता था कि ये बर्ड जो हैं इस तरह खाएंगे। अब ये देखें सारे के सारे उड़ गए हैं, उड़ के जाके बस वो सारा फ्लोर साफ़ कर गए और ख़त्म कर गए।